बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 1.5 प्याली ऑयल डाल के गर्म कर लें। 2 अदद प्याज ग्राइंड करके डाल दें। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। 2 मिनट तक इसको हल्का ब्राउन कर लें। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अच्छी तरह फ्राई कर लें। डेढ़ केजी मटन डाल दें और अच्छी तरह साफ कर दें। 5 से 6 मिनट इसको फ्राई कर लें कलर चेंज होने तक। एक खाने के चम्मच सूखा धनिया डाल दें। उसके बाद गरम मसाला मिक्स डाल दें। दो खाने के चम्मच लाल मिर्च डाल दें। एक खाने का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल दें। इसको मिक्स होने तक फ्राई करें। 5 मिनट फ्राई करने के बाद चॉप की हुई 2 खाने के चम्मच हरी मिर्च डाल दें। अच्छी तरह मिक्स करें। चेयर दस कटे हुए टमाटर डाल दें। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फिर मिक्स करने के बाद इसको दम पे रख दें। 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख दें। 15 मिनट बाद हम चेक करते हैं गोश्त गला है कि नहीं। अब इसमें पीसा हुआ जीरा डाल दें 1 खाने का चम्मच और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच डाल दें और इसको अच्छी तरह फ्राई करते जाएं। अब इसमें 1 बोल दही का डाल दें। मिनट तक इसको फ्राई करें।
10 मिनट तक इसको दम पे रख दें ताकि इसका अच्छी तरह पानी खुशक हो जाए। अब दम के बाद इसको चेक करते हैं कि मटर हमारा तैयार है। अब मटर हमारा तैयार है। अब इसमें हरी मिर्च कटी हुई डाल देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।